यहां क्यों रखी थी तस्वीर? बाहर रखती हूं। ये कहां से मिला तुम्हें? देखिए बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो लगता है मेरी सारी शक्ल बाबा पर गई है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आपने कभी अपने भाई को नहीं देखा या मेरी शक्ल नहीं देखी? देखिए तो सही, वही आंखें, वही नाक, मुझे तो लगता है मेरी जहानत भी मुझे बाबा से ही मिली है। शायद। अरे इधर तो आए, आज अगर बाबा जिंदा होते खुश होते ना मुझे देखकर, मियां जी की तरह फखर करते मुझ पे। तुम्हें ये फ्रेम मिला कहां से? अम्मा की अलमारी से, कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। भला कोई ऐसी चीज है जो कपड़ों के नीचे रखी जाए? अब तो ये यहीं रहेगी। अच्छा लग रहा है ना रानिया? कितनी दफा मैंने कहा सर में तेल लगवा लिया करो, ऐसी तुम्हारा ना खुश पड़ा है सर। अम्मा आराम से, मुझे लगा मेरी आंखें माथे में फिट हो गई हैं। अरे अरे वहम पड़ रहा है, वही की वही है। अच्छा इस तरह से तो करे, आपने तो मेरे बाल जट से उखाड़ दिए हैं। और तुम इतनी नाजुक मिजाज कब से हो गई हो? अच्छा ये बताए मेरे बाल लंबे हुए हैं कि नहीं? बेबो की शादी पे ना शीशे वाला परांदा पहनूंगी मैं। बेबो की शादी कौन सी कल है? 7 साल मंसूबा है, जब तक बेबो की शादी होनी है ना तुम्हारे बाल आपे ही लंबे हो जाने, फिक्र ही ना करो। वैसे बेबो का भी ना बहुत ही ऊंचा मेयार है, मुझे लगता है मैं इनका दूल्हा ना ऑर्डर पर ही बनवाना पड़ेगा। बेबो की छोड़ो, अपनी बताओ। तुमने अगर ऐसी कोई शोशेबाजी की ना रानी, चंडो लाना है मन। ओ नहीं अम्मा, मैं तो मस्त मलंग, मेरी कोई डिमांडे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये भी। हाँ मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हो ना बड़ा ईमानदार सच्चा और बड़ों का एहतराम करने वाला हो, बाकी सब खैर है। मेरी सौबिर बच्ची। वैसे अम्मा खुश शक्ल होना चाहिए, लंबा भी जरूरी है, और डोले शोले होना चाहिए भाई, टेका उसका एमी को लुच्चा बुच्चा ना पकड़ लेना। तो फिर बच्चा की लंबा भी हो तो चौड़ा भी हो तो डोले भी हो, पागल ना हुए थे भाई? अब मुस्तकबिल के वजीर आजम का शौहर होगा, कोई पहाड़ी बकरे जैसी शक्ल होगी तो ये तो पूरी दुनिया में मजाक बनवाने वाली बात है। ओए रानी क्या हर वक्त वजीर आजम लगा के रखा हुआ है? बच्चों ने ना छेड़ बना लेनी है तुम्हारी। वजीर आजम वजीर आजम, और जिन्होंने अच्छा काम करना होता ना उन्हें कुर्सी वर्सी की कोई जरूरत नहीं होती, समझी? तुम क्या जानो अम्मा कुर्सी की पावर। अच्छा इतनी कोई पावर होती है तो बैठ जा कुर्सी पे। अब ये वाली कुर्सी नहीं अम्मा, इक्तदार की कुर्सी। इक्तदार की कुर्सी है, भूल गई अब्दुल सतारी दी साहब को? जिन्होंने अच्छे काम करने होते हैं ना उन्हें इक्तदार शक्तदार की कोई लोड़ नहीं होती, वो ऐसे ही अच्छे काम करते चले जाते हैं, समझी? बात तो ठीक की है।